आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर एन टुडे न्यूज़। बिजनौर पहुंचा भाजपा नेता प्रिंस चौधरी का हेलीकॉप्टर, वाहन से तिलक कराकर श्रद्धालुओं पर पत्नी संग पुष्प वर्षा करने हेलीकॉप्टर से निकले प्रिंस चौधरी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रिंस चौधरी का हेलीकॉप्टर बिजनौर गोलबाग स्थित प्रिंस चौधरी के निर्माणाधीन होटल के पास खेत में बने हेलीपैड पर उतारा गया, जहां पर प्रिंस चौधरी का सहयोगियों ने स्वागत किया, जिसके बाद प्रिंस चौधरी ने बहन से तिलक भी कराया। भाजपा नेता प्रिंस चौधरी ने बताया कि हमारा हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान शुक्रताल वे बालावाली के लिए भरी, जहां पहुंचकर प्रिंस चौधरी ने आसमान से श्रद्धालुओं पर जमकर पुष्प वर्षा की। आपको यह भी बता दें कि जनपद बिजनौर से भाजपा नेता प्रिंस चौधरी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। देखिए हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। प्रिंस चौधरी की धर्मपत्नी अंशु चौधरी, आज जो आपके प्रिंस चौधरी जो है आपके पति, इन्होंने आज पुष्प वर्षा का जो है कार्य किया है, इसमें आपका सहयोग है? हाँ, मैं अपने पति के साथ हर सहयोग में साथ हूँ, उनके हमेशा साथ खड़ी हूँ। आगे भी हम पिछले 3 साल से गंगा स्नान पे फूलों की वर्षा करते हैं और मौका लगे तो आगे भी करते रहेंगे। मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। पहले समय में भी मैं पत्नियां जो है अपने पतियों के साथ रहती थी, युद्ध हो या कोई क्रीड़ा स्थल हो, आप भी ऐसा भाव रखती हैं? नहीं, हाँ मैं साथ हूँ, उनके खड़ी हूँ, साथ में खड़ी हूँ और हमेशा आगे भी साथ ही खड़ी रहूंगी। ठीक है, वर्षा करनी है आपको। पहले तो आप सभी को गंगा स्नान के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को माँ गंगे के इस पावन अवसर पर गंगा स्नान पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसे आप प्रतिवर्ष पुष्प वर्षा करते हो गंगा स्नान के लिए, और इस बार भी आपने एक प्रोग्राम रखा, तो इस बार कितनी जगह होने वाला है ये? दरअसल बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत जितने भी गंगा स्नान पड़ते हैं उन सभी पे सभी गंगा भक्तों पर पुष्प वर्षा करके उनका हार्दिक स्वागत करूंगा और अभिनंदन करूंगा। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? जैसे विदुरकुटी में सबसे पहले हम सबसे बड़ी तीर्थ नगरी शुक्रताल जाएंगे, उसके बाद बालावाली मेले में बालावाली जी, फिर उसके बाद विदुर, उसके बाद सेकंड जो फ्लाइंग होगी वो मखदूमपुर के लिए। अच्छा। मखदूमपुर जो कि मेरठ में बिजनौर लोकसभा की एक विधानसभा पड़ती है हस्तिनापुर, उसका मेला मखदूमपुर में लगता है, तो मखदूमपुर जाएंगे। दारा नगर गंज आखिर में दारा नगर गंज से इसका समापन होगा। दारा नगर गंज क्योंकि मेरे जिले का सबसे बड़ा गंगा स्नान है, तो वहां और भी संख्या शाम तक बढ़ जाएगी भक्तों की, इसलिए उसे मैंने सबसे आखिर में। अच्छा, गंगा स्नान का जो मेला है जैसे दारा नगर गंज में, वहाँ पर आपका भंडारे का भी प्रोग्राम चला हुआ है, तो जिस तरह का जैसे अभी हमने विदुरकुटी पे ही देखा है, चला हुआ कई दिनों से लगातार जारी है और काफी श्रद्धालु वहाँ भोजन नाश्ता सभी व्यवस्था की है, तो सभी मेलों में इस तरह जी 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 मखदूमपुर शुक्रताल सब में मेरे सेवा शिविर लग रहा है गंगा स्नान पे भक्तों के लिए, और लगातार मैं कई वर्षों से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी आयोजित करता आ रहा हूँ और शिविर का भी कार्यक्रम। तो ये कै बजे तक आपका प्रोग्राम? ये शाम के 4 बजे तक कार्यक्रम समाप्त होगा। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे जो श्रद्धालु आपका? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा का कल गंगा स्नान है, उसके उपलक्ष में ये पुष्प वर्षा का जो आयोजन है ये गंगा स्नान भक्तों के लिए और देवतुल्य जनता के लिए। तो जनता के मन में कुछ सवाल भी चले हुए हैं? कोई नहीं, ये तो निस्वार्थ सेवा है, सेवा भाव है। 2024 नहीं, 2000 पार्टी का निर्णय है, हमारे पार्टी के जो उच्च पार्टी के जो हमारे
मन है आपका नहीं, पार्टी अगर मौका देगी वो तो बात की बातें हैं, बात की बातें हैं, वो पार्टी जैसा भी निर्देश देगी, जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, हमारी पार्टी के जो अभी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है तो हमारा पूरा एक कुटुंब है, अपना एक परिवार है, जो परिवार के बड़े लोगों का निर्णय होगा वो सर्वमान्य। जय हिंद। जय मेरा नाम शोभा शर्मा है, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, सेवा भारती के जिला अध्यक्ष भी हूँ और प्रिंस चौधरी जो कार्य कर रहे हैं समाज में, नर सेवा नारायण सेवा एक स्लोगन है हमारा, संगठन का भी स्लोगन है, भाजपा का भी स्लोगन है। तो नर सेवा नारायण सेवा में देखिए जाति बिरादरी कोई मायने नहीं रखता, हमें तो जहाँ भी किसी की सेवा करनी है वहाँ करनी है। प्रिंस चौधरी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं, लोगों को दवाई के लिए इलाज के लिए पैसे देते हैं और 3 साल से लगातार वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, 2 साल से गंगा स्नान मेले में श्रद्धालु वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जो हमारे योगी आदित्यनाथ उनके आइडल हैं, आइडल उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि श्रद्धालु गंगा स्नान मेले में जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और एक बार उन्होंने करी थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनके उस पर जयंती पर। तो देखिए युवा हैं, अच्छे हैं, चमकता चेहरा है, तो आगे आना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि युवाओं को पार्टी को भी देखना चाहिए, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं इनका मकसद राजनीति में आना कुछ कमाना है, वो पहले से मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। प्रिंस चौधरी साहब के पास कोई पद है रनिंग पार्टी में? नहीं, अभी कोई पद नहीं है, वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में एक पार्टी का सिपाही बन के कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं और वो भाजपा को समर्पित है। क्या लगता है कि इनके पास अगर कोई पद आया तो भविष्य में बहुत बढ़िया सेवा होगी जनता की, और जनता को जो कहीं वंचित है कोई, वो भी गरीब जनता बहुत प्यार करती है इन्हें, और लोकसभा के बहुत मजबूत दावेदार हैं। तो मेरा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही आग्रह है कि नए चेहरे आने चाहिए पार्टी में, कार्य करने वाले व्यक्ति आने चाहिए, जो एक कह दे ना एक ही व्यक्ति का वहां पे नाम का पर्चा छप गया या एक नेम प्लेट लग गई, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं, मजबूत दावेदार हैं, उनको आगे आना चाहिए। और मेरा अपना मानना है ये, अगर इन्हें भाजपा विश्वास करती है, टिकट देती है, तो एक तरफा जीत होगी हमारी और बहुत बढ़िया वोटों से जीत होगी हमारी। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं प्रिंस भैया के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और हम लोगों का सबका उनको आशीर्वाद है। और देखो भगवान जी क्या करते हैं, ऊपर वालों को भी देखना चाहिए। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं झल्लू मंडल से महामंत्री हूँ भाजपा का, उससे पहले और दायित्व भी रहा, किसान मोर्चे में महामंत्री रहा, और उसके बाद उससे पहले पिछले समय उपाध्यक्ष रहा झल्लू मंडल। आपका जो आज प्रिंस चौधरी जी के यहाँ आना हुआ, ये किस उपलक्ष्य में आना हुआ? आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को विदुर कुटी, विदुर धरती है, बिजनौर में पावन धरती है, वहाँ पुष्प वर्षा करेंगे, फिर शुक्रताल, बालावाली, मखदूमपुर, गंगा बैराज पर सभी श्रद्धालुओं को देखते हुए आज पुष्प वर्षा माननीय प्रिंस चौधरी जी करेंगे। इसी इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वे भी समय समय हिंदू धर्म पर श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा करते थे, जैसे कांवड़ियों को पुष्प वर्षा, तो उससे प्रेरित होकर प्रिंस चौधरी जी ने ये निर्णय लिया कि सभी पुष्प वर्षा करी नहान पर सभी, इससे पिछली बार भी उन्होंने करी थी। कितने साल से लगातार करते हैं? 30 साल से लगातार करते जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उनकी जयंती पर भी पूरी विधानसभा बिजनौर 22 पर पुष्प वर्षा करी। क्या कोई राजनीतिक वेश है या नहीं? लोकसभा की तैयारी नहीं, श्रद्धा भी है, फिर यहाँ से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं प्रिंस चौधरी जी बिजनौर से, भावी प्रत्याशी हैं, सबसे मजबूत हैं यहाँ, फिर यहाँ बिजनौर के निवासी हैं, ये तो चमकता चेहरा है, चमकता चेहरा है, फिर युवाओं में उनकी पहचान है, युवा उनकी सब तरफ आकर्षित है, बिजनौर को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। अब संगठन का निर्णय है, जो हमारा शीर्ष संगठन का निर्णय होगा उसे हम सहर्ष स्वीकार। मेरा नाम मंगेश शर्मा है, मेरा नाम मंगेश शर्मा है और मैं आरएसएस सेवा भारती की जिला महामंत्री हूँ, और मैं प्रिंस भैया से के कार्यों से बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रिंस भैया लाइट में आए और सब उनका सहयोग करें, और
उनकी जो मम्मी है प्रिंस भैया की, वो पहले से ही हमारी कुछ रिलेटिव ऐसी हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि प्रिंस भैया आए और हम सब लोग उनका साथ दें। नर नारायण सेवा में, सेवा भारती में हम लोगों का पद है और मैं चाहती हूँ वो भी आए। प्रिंस चौधरी साहब का नारियों के लिए कैसा उद्देश्य है? बहुत अच्छा उद्देश्य है उनका, बहुत सेवा करते हैं वो। क्या लगता है भविष्य में ये कुछ नारियों के लिए भी कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, अगर इन्हें मौका मिलेगा तो वो कर पाएंगे। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल RN Today को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।